फ्यू डेज बैक मैंने आप लोगों से पूछा था कि वेदर यू वॉन्ट टू सी माई किचन और नॉट, एंड मोस्ट ऑफ यू हैव रिप्लाइड दैट यस डू अ किचन टूर, सो हियर आई एम। Hey guys, welcome back to my channel. मैं हूँ अर्चना, hope you all are doing good. And those of you who are watching me for the first time, let me tell you that I'm staying in Dubai in a 1 BHK rented apartment flat. And today I'll be doing my kitchen tour. So without wasting time, let's start. If you know that we have an open kitchen, and this is our living cum dining area. I have already home tour video in my channel, I'll share the link in the description box. And this is the entrance of our kitchen, and here we have kept some of the soap pieces, and there is a wind gym, and this is how we have little decorated. And once we enter our kitchen, there is a slab. We have kept two bar chairs over here, ऐसे ही कुछ खाना बनाते टाइम खाने के लिए, and breakfast normally यहाँ पे होता है, जब parties वगैरह होता है तो यहाँ पे बैठते हैं, so इसीलिए मैंने यहाँ पे कैसे ये revolving वाला रखा है, some salts and papers, jam, few chocolates, एक bamboo plant रखा है। एंड किचन में थोड़ा बहुत स्मेल हो जाता है जब नॉन वेज बनता है, तो एक मैंने फ्रेगनेंस वाला कैंडल रखा है। टिश्यू बॉक्स है यहाँ पे, एंड जैसे ही ये एक लेबल ऊपर हो जाता है, आई हैव केप्ट टू वाटर बॉटल्स ओवर हियर, देयर इज ए जूसर आई हैव केप्ट हियर बिकॉज देयर इज स्विच कनेक्शन, सो आई कैन यूज इट वेरी इजिली, सो आई हैव केप्ट अ जूसर हियर बिकॉज आई यूज इट इन माई डेली लाइफ। This one is dishwash rack. There are a few of the breakfast utensils. मैंने रखा नहीं है। My chopping board. And this is my double sink. Hand wash. Here is one more plant, money plant. And these are my cutleries, my knives and everything is here. Because most of the time I do my chopping here. I do my chopping here, that's why I have kept the area totally clear, or else I do in this lab also. So cutlery ki side mein aise thoda bahut kuch artificial aise decoration type ka aise lagaya hai, and this is our microwave. Deyu brand ka hai ye. And this is my spice rack, this one is also revolving one. And इसमें जो मसाले हैं I use once or twice a week. And जो basic haldi and coriander वगैरह I don't use from here because ये जो है वो daily life पे बहुत ज़्यादा use होता है, and इस ये थोड़ा निकालना मुश्किल है, ये rotate करके नहीं निकलता, इसको pull करके निकालना पड़ता है, which is little hard. सो मैं जो ज़्यादा यूज़ होता है मैं इससे यूज़ नहीं करती हूँ। चिली यूज़ होते हैं ज़्यादातर, उसके लिए मैंने अलग से एक स्पाइस बॉक्स रखा है, मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव सीन, जैसे हल्दी वगैरह, ये सब जीरा, कोरिएंडर, ये जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये मैंने यहाँ पे रखा है, काफ़ी हैंडी होता है इससे। एंड ये मेरे कुछ गर्म मसाले, सिनेमन, क्लोव्स, ब्लैक पेपर एंड ऑल, सो ये भी मोस्टली यूज होता है मेरे खाने में, सो ये मैंने अपने गैस बर्नर के बाजू में ही रखा है। एंड दिस आर माय ऑयल बॉटल्स, मस्टर्ड, रिफाइन ऑयल, ऑलिव ऑयल एंड पीछे घी। सो ये है एक स्पून स्पैचुला स्टैंड मैंने रखा है कुकिंग के टाइम यूज करने के लिए। एंड दिस इज माय गैस ओवन, 4 बर्नर का है। मैं ओवन जो है ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, सो उसके अंदर जो है ये मोस्टली जो बेकिंग टूल्स वगैरह रखे हैं, बिकॉज ज़्यादा मैं बेकिंग करती नहीं हूँ, अगर मैं करती हूँ देन आई डू इन द माइक्रोवेव ओनली, बट दिस इज़ अ कन्वेक्शन वन। एंड ये गैस बर्नर के साइड में है मेरा इलेक्ट्रिक ग्रिल, ये भी हम लोग
यूज़ करते हैं, जैसे कोई भाजी वगैरह बनानी हो एंड चिकन तंदूरी चिकन वगैरह टिक्का वगैरह, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे रखा है। एंड प्लग भी यहाँ पे है तो इसीलिए इजी होता है मेरे लिए थोड़ा, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा है। एंड एक डिटॉक्स वाटर वाला मैंने एक जार बनाया है वो रखा है। ये जो खाने में जो पानी यूज़ होता है उसके लिए एक बॉटल रखा जार रखा है। एंड यहाँ पे ये अजवाइन के फूल वाला पानी है जो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, ये मैंने यहाँ पे रखा है। कुछ किचन टॉवल्स रखे हैं। एंड हियर देयर इज़ ए 4-टायर स्टैंड आई हैव केप्ट। ऊपर फ्रूट्स रखे हैं, देन अनियंस एंड गार्लिक्स, पटैटोज एंड किचन टिश्यू रोल है। दिस इज़ अ वाटर डिस्पेंसर, ये अभी ऑन है क्योंकि मैंने पानी गर्म करने के लिए बिठाया था। तो ये हॉट एंड कोल्ड, एंड इसके नीचे छोटा सा रेफ्रिजरेटर है सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह रखने के लिए, बट नॉर्मली वी डोंट यूज़ दिस। एंड दिस इज़ अ फ्रिज रेफ्रिजरेटर, ये LG का है, ये सोनासी का है। एंड ऊपर ऐसे एक वॉल क्लॉक लगाया है, ट्यूबलाइट है क्योंकि थोड़ा लाइटिंग की कमी थी तो ऐसे ट्यूबलाइट लगा दिया है। एंड माय किचन लुक्स लाइक दिस, ये कुछ ऐसा दिखता है मेरा किचन, आप देख सकते हैं। एंड ऊपर थोड़ा बहुत कुछ डेकोरेशन किया है चिमनी के ऊपर, ये जो एक मंकी बैठा है बंदर वो पूरा नारियल का बना हुआ है, तो हमने ये केरला से लिया था। सो बेसिकली दिस इज द लुक ऑफ माय किचन। सेल्फ, सो पहले ये मेरा जो बर्नर है उसके जस्ट राइट हैंड साइड टॉप में मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मेरा जो है पूरा स्पाइस सेक्शन है। ये देखिए जो चीज़ें कुछ कुछ यहाँ पे नहीं है ये सब यहाँ रखे। एंड यू नो इंडियन कुकिंग में बहुत ज़्यादा स्पाइस यूज होता है, तो सारे टाइप्स के स्पाइस यहाँ पे रखे हैं। एंड मैंने सब में ऐसे लेबलिंग करके रखा है ताकि अगर कोई और जैसे हस्बैंड किचन यूज़ कर रहे हो देन उनको दिक्कत ना हो कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए। एंड पीछे जो है जो नीचे थोड़ा ज़्यादा ले आते हैं स्टोरेज के लिए यूज़ करने के लिए, ये जैसे हल्दी कोरिएंडर जो ज़्यादा ज़्यादा यूज होता है, जैगरी, एंड ये देखिए ड्राई रेड चिली, ये सब रखे हैं। सॉल्ट वगैरह जो ऊपर जो सामान है वो मतलब थोड़ा कम यूज़ होते हैं, हाँ नमक वगैरह ज़्यादा यूज़ होता है तो मैंने यहाँ पे रखा है। एंड ऊपर वाला जो सेल्फ है उसमें कुछ एडिशनल मसाले रखे हैं उस बॉक्स में, जो यहाँ पे एक छोटे वाले बॉक्स में नहीं आए डब्बे में, तो वो मैंने ऊपर रख दिया है। उसके साइड में मेरा केक मिक्सचर है जो मैं बहुत रेयर यूज़ करती हूँ, उसको इसीलिए उसको ऊपर रख दिया है। मेरा और एक हैंड ब्लेंडर है जो हम अभी यूज़ नहीं करते क्योंकि मैंने अभी एक नया ले लिया है, तो ये रखा है कभी कभी अगर ज़रूरत पड़े। तो ये वाला जो रैक है ये पूरा स्पाइस वाला सेक्शन है। एंड देन गैस ओवन के जो लेफ्ट वाला सेक्शन है, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव सीन दिस सेक्शन ऑफ माइन, इसमें सारे मेरे पल्सेस जो है वो सारे रखे हुए, दाल वगैरह, ये कुछ सामने वाले छोटे छोटे रखे हैं एंड पीछे जो है ये बड़े साइज़ के रखे हैं। एंड ये वाले जो स्टोरेज बॉक्सेस है ये मैंने ऑनलाइन सूक से मंगवाया था, बहुत लोग पूछते हैं तो ये मैंने सूक से मंगवाया था, आप देख सकते हैं इसको, या क्लब फैक्ट्री में भी मिलता है, मुझे अगर मिलेगा तो मैं लिंक डाल दूंगी।
एंड ऊपर जो है जैसे कभी कभार यूज होने वाले सामान है, पास्ता है, मैदा है, बेसन है, कुछ कॉर्नफ्लोर वगैरह वो सब रखे हैं। नीचे जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं वो वाले सामान रखे हैं। एंड इफ यू कैन सी ऊपर वाले रैक में पीछे जो है मैंने जो एक्स्ट्रा ऑयल्स हम लेके आते हैं तो वो रखे हैं मैंने, क्योंकि यहाँ पे बॉटल में ऑयल भरने के बाद बाकी जो बच जाता है वो मैं वहाँ पे ऊपर रख देती हूँ। तो दिस पार्ट, यहाँ पे मैंने अपना डिनर सेट वगैरह रखा है, कॉफ़ी मग्स रखे हैं, ये देख सकते हैं डिनर सेट है, कुछ सर्विंग ट्रेज है, कॉफ़ी मग्स है, फ्यू कटलेरी जो गेस्ट वगैरह आए तो यूज़ करते हैं। एंड ऊपर वाला जो सेक्शन है ये पूरा सर्विंग का है, सारा जो सर्विंग का सामान है, सर्विंग स्पून्स हैं, ये सब मैंने ऊपर रखा है। एंड गाइस इफ यू कैन सी, ये छोटे छोटे जो स्मॉल काले काले जो दिख रहे हैं, ये जब पेस्ट कंट्रोल होता है तो ये जेल लगा देते हैं ताकि कॉकरोच ना आए, तो ये सब जेल्स लगे हैं। आई थिंक हमारा 4 महीने पहले ही पेस्ट कंट्रोल हुआ है तो इसीलिए ये सब लगे हैं। एंड उसके साइड वाले सेल्फ में आते हैं तो जैसे ये मेरा जूसर यहाँ पे रखा है क्योंकि मैं इसको डेली यूज़ करती हूँ, बट मेरा जो मिक्सचर है ये मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ क्योंकि आप लोगों को पता है मैं मसाला जो है वो पीस के स्टोर करके रख देती हूँ, तो इसलिए ये हफ्ते में एक दिन कभी यूज़ होता है तो इसलिए मैंने उसको ऊपर रखा है। अंदर कुछ जार्स रखे हैं वही ग्राइंडर के, एंड ये हनी बनी के मेरे बच्चों के जूस बॉटल, दिस इज़ माई जूस बॉटल, एंड ये सम ऑफ दी जो मंचिंग के टाइम पे वो लोग यूज़ करते हैं ये वाला, या कभी बाहर जाएं तो वही सब मैं लेके जाती हूँ, स्ट्रॉज वगैरह। एंड ऊपर का जो सेक्शन है जो एक्स्ट्रा डब्बे है जिसमें अभी मैंने कुछ रखा नहीं है वही सब रखे हैं कि कभी काम आ जाए, कभी कुछ ज़रूरत पड़े तो एक्स्ट्रा डब्बेज रखे हैं, कुल्फी मेकर वगैरह रखा है, कुछ एक्स्ट्रा टिफिन बॉक्सेस रखे हैं बेबीज़ के। सो दिस इज़ हाउ मैंने ऐसे इसको अरेंज किया है। देन कमिंग डाउन, ये वाला एक सेल्फ है, तो यहाँ ऊपर जो है सारे मेरे स्टील के बर्तन है, दो जो फ्यू फॉलो में आप लोगों को पता होगा मैं ज़्यादातर स्टील के बर्तन यूज़ करती हूँ घर में। सो ये नॉर्मली जो ट्रेज वगैरह हो गया, बॉल्स हो गया, ग्लासेस हो गया, ये सब कुछ कवर्स हैं ये सब रखे हैं। एंड अंदर को कुछ एक्स्ट्रा टिफिन बॉक्सेस रखे हैं मेरे हस्बैंड के जो रेयरली यूज होता है। एंड उसके नीचे वाले सेल्फ में सारे स्टोरेज के बॉक्सेस है, ग्लास के हैं स्टोरेज वाले, एंड अंदर को कुछ प्लास्टिक्स के भी रखे हैं जो अभी हम यूज करना बंद कर चुके हैं, तो मोस्टली हम लोग ग्लास का यूज़ करते हैं इसलिए मैंने उसको आगे रखा है। एंड ये कुछ मिट्टी वाले सर्विंग्स, मतलब इसमें खाना भी बना सकते हैं बट मैं इसको सर्विंग के लिए यूज़ करती हूँ, एंड ये कुछ ऐसा दिखता है, ये मैंने कुछ ऐसे सजाया है। एंड सबसे मेन पार्ट है ये मेरा स्टूल, क्योंकि जो मेरे सारे जो सेल्फ है जो ऊपर वाले हैं ये बहुत ऊंचे हैं एंड मेरी हाइट थोड़ी शॉर्ट है तो मैं ये वाला स्टूल यूज़ करती हूँ। दिस इज़ माई सिंक, सिंक के नीचे एवरीबडी नोज डस्टबिन होता है, कुछ डिटर्जेंट्स रखे हैं, एंड इस साइड में कुछ एक्स्ट्रा पन्नियाँ रखी हैं जो मैं यूज़ करती हूँ डस्टबिन में यूज़ करने के लिए। एंड उसी के साइड में ही और एक सेल्फ बना हुआ है जिसके नीचे वाले सेक्शन में मेरे सारे टाइप्स के चावल्स रखे हैं, आटा रखा है, जैसे ये बासमती हो गया, अंदर ये साबूदाना रखा है, जीरा राइस, घी राइस, मोटा राइस, सब यहीं पे राइस और आटे का सेक्शन हो गया ये वाला। इसके ऊपर वाला जो है ये मिक्स्ड है, पीछे चाय वगैरह रखी है जो हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते क्योंकि हम चाय पीते नहीं हैं, एंड आगे कॉफ़ी रखा है क्योंकि मैं पीती हूँ, बेबीज़ का कुछ सामान है, सेरेलैक दूध, पीडियाश्योर, मोस्टली ये कस्टर्ड पाउडर, बेबीज़ का ही सेक्शन है, पीछे उनका थर्मस रखा है, अचार वगैरह भी पीछे रखे हैं जो हम ऐसे वीक में एक दो बार यूज़ करते हैं, तो
यहाँ पे मिक्स्ड सामान रखें। एंड इसी सेल्फ के साइड में हमारा वॉशिंग मशीन है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि व्हाई यू कीप योर वॉशिंग मशीन इन द किचन। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही यही है, जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनको पता है कि यहाँ पे सेपरेट लॉन्ड्री रूम बहुत कम अपार्टमेंट्स में मिलता है, तो किचन में वॉशिंग मशीन रखने का कॉन्सेप्ट ही यही है। क्योंकि और बाथरूम में वॉशिंग मशीन रखने का कनेक्शन ही नहीं दिया है, किचन में ही देते हैं। तो वॉशिंग मशीन के बाजू वाला जो सेक्शन है, ये मेरा कुकवेस्ट रखा है, मेरा मीडियम साइज का प्रेशर कुकर है, ये लार्ज है, पीछे सारे इसके कढ़ाई ऐसे रखे हैं। एंड यहाँ पे सारे मेरे और कुकवेयर्स रखे हैं जो सेट में आते हैं, कुकवेयर सेट में वो रखा है। एंड अंदर मेरा इडली मेकर रखा है, आपको दिख रहा होगा कि नहीं आई डोंट नो, जो मैं बहुत रेयर यूज़ करती हूँ उसके लिए अंदर रख दिया है। एंड ये रहा नीचे वाला पार्ट, इसमें सारे जो वेजिस चॉप करके वॉश करने के लिए जो भी यूज़ होता है, ये राइस वगैरह धोने के लिए, ये सब मैंने यहाँ पे रखा है। देन यहाँ पे सारे मेरे जो तवाज है, पैन से, जैसे ये हो गया रोटी मेकर, डोसा पैन, ये सब मैंने यहाँ पे रखा है। हॉट केस इधर रखा है, पीछे आप देख सकते हैं कि सारे जो कुकवेयर से उसके लीड्स रखे हैं। एंड इस साइड पे कुछ जो मैं एल्यूमिनियम के बर्तन यूज करती हूँ उसके लीड्स रखे हैं। एंड अंदर जो है ये आप देख सकते हैं कि ये बड़े बर्तन रखे हैं, जब गेस्ट आते हैं तब हम ये वाले बर्तन यूज करते हैं। मोमो स्टीमर भी रखा है उसी में, जो रेयर यूज होता है, तो इसलिए मैंने उसको अंदर रख दिया। जो डेली बेसिस पे यूज होते हैं वो सब मैंने ऐसे आगे रख दिए हैं। तो ये हो गया मेरा ये वाला पार्ट कुकवेयर्स। अगेन मेरा लेफ्ट साइड ऑफ गैस बर्नर के यहाँ पे मेरा सिलेंडर है और कुछ नहीं है, इसमें क्या दिखाऊं फिर मैं। देन ड्रॉयर्स जो है ये इन्होंने चार दिए हैं, तो ये ऐसे मैंने सेग्रीगेट करके रखा है, जैसे वुडन वाला हो गया, ये सब स्टील वाले स्पैचुलस, ये कुछ नॉनस्टिक वाले, ये बीटर वगैरह सब यहीं पे है। गैस के बाजू में तो थोड़ा हैंडी होता है ये सब निकाल के कुकिंग में यूज करने के लिए। इसके नीचे वाले ड्रॉयर में मेरा चॉपर रखा है, ये मेरा इलेक्ट्रिक ब्लेंडर रखा है, हैंड ब्लेंडर, एंड ये वाला एक मैनुअल हैंड ब्लेंडर रखा है। कुछ छन्नियाँ रखी हैं, कुछ क्लिप्स रखे हैं, जो एक्स्ट्रा जो मसाले या कुछ भी आता है तो उसको स्टोर करके रखने के लिए। मेरा कॉफ़ी बीटर है, यही सब ज़रूरत के सामान ही सारे रखे हैं। थर्ड वाले ड्रॉअर में मेरा जो बेलन है, एंड ये कुछ किचन और टॉवल्स जब राइस वगैरह बनाते हैं उसको पकड़ने के लिए, यही सब छोटे मोटे, एंड कुछ एक्स्ट्रा फिल्म हो गया एंड फॉयल पेपर, यही सब रखा है इसमें। फोर्थ वाले ड्रॉअर में बेसिकली सारे मेरे ये जो पैन्स वगैरह वो रखे हैं, एक छोटा कुकर प्रेशर कुकर है 2 लीटर का वो रखा है, जो बेबीज खाना बनाने में यूज़ होता है। एंड अंदर को जो है वो बड़े बड़े पैन्स रखे हैं और भी बड़े। सो ये हो गए मेरे सारे सेल्स। किचन काफ़ी बड़ा भी नहीं है एंड छोटा भी नहीं है, बट काफ़ी फंक्शनल है। किचन का ही हमारा ये पार्ट है एक, ये जो कपबोर्ड रखा है, बट किचन में स्पेस नहीं है तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे रखा है। एंड काफ़ी इजी भी होता है क्योंकि यहाँ पे बैठते हैं तो ये सब ग्लासेस आराम से निकाल सकते हैं। तो ये कुछ कांच के ग्लासेस हमने अंदर ऐसे रखे हैं, नीचे भी कुछ ऐसे कांच के ग्लासेस रखे। एंड ये सब मेरे हस्बैंड का शौक है डेकोरेट करके रखना, तो ये यहाँ पे रखे हैं। एंड इसके जो नीचे वाला सेल्फ है, ये वाले पार्ट में सारे मंचिंग के सामान रखे हैं, बिस्किट हो गया, नट्स हो गया, चिप्स हो गया,
जो भी मंचिंग के सामान है वो रखें। उसके नीचे वाले वो वाले बॉक्स में सारे डिस्पोजेबल्स रखें, जब बड़ी पार्टीज होती है तो डिस्पोजेबल्स यूज़ करते हैं तो उसके लिए रखा है। एंड ये कुछ टेबल मैट्स वगैरह रखे हैं, रूम स्प्रेयर रखा है, बस यही है। एंड मेरे लिविंग से किचन का लुक कुछ ऐसा दिखता है। आप लोगों ने देख लिया मेरा किचन, अच्छा है, काफ़ी फंक्शनल है और चीज़ें जो है वो मैंने अपने हिसाब से उसको सजा के रखा है, जो मुझे इजी हो निकालने में या यूज़ करने में कुछ भी। सो अगर आप लोगों के पास और कुछ सजेशन है प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो के और मैं कैसे इसको सजा सकती हूँ। एंड ये जो अप्लायंसेस है सारे मोस्टली 90% मैंने शॉप से लिया है, तो लिंक देना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, फिर भी मैं ट्राई करूँगी कुछ कुछ छोटे छोटे सामान अगर मैं उसका लिंक दे सकूँ तो। मोस्टली मेरा माइक्रोवेव जो है वो देव ब्रांड का है, वॉशिंग मशीन पैनासोनिक का है, फ्रिज जो है वो LG का है, जूसर मेरा ब्लैक एंड डेकोर का है, एंड मेरा जो इलेक्ट्रिक ग्रिल है वो केनवुड का है, गैस स्टोव हमारा सुपर जनरल का है, बस यही है। तो सारा हमने मोस्टली शॉप से ही लिया था, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द लिंक्स। सो एनीवेज ये था मेरा किचन टूर, होप आप लोगों को पसंद आया होगा। एंड जब भी मैं इस टाइप के कुछ वीडियो शेयर करती हूँ, आप में से बहुत लोग हैं जो कंप्लेन करते हैं कि आज हनी बनी को नहीं दिखाया है, सो आई विल ट्राई टू पुट अ लिटिल स्मॉल क्लिप ऑफ हनी बनी एट द एंड ऑफ वीडियो। So hope you like it. So that's all. This is my kitchen tour. अगर आपको पसंद आया give it a thumbs up. Do subscribe to my channel and be a part of our beautiful family. Till then, bye bye. Take care. Lots of love. Give it at the office. Dada, 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 Dada. No, 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 no. You can't go. Okay.